भारतीय तटरक्षक दलाच्या वतीनं मुंबई ते गोवा आणि पुन्हा गोवा ते मुंबई मार्गावर निघालेल्या मोटरसायकल रॅलीचं गुरुवारी मालवणात स्वागत करण्यात आलं. यावेळी नौदल, पोलीस आणि मत्स्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. नौदल आणि तटरक्षक दलाच्या अधिकाऱ्यांनी सागरी सुरक्षेबाबत मच्छीमारांना मार्गदर्शन केलं. तसंच स्थानिक युवकांनी नौदल तटरक्षक दलात सहभागी होण्याबाबत सुद्धा यावेळी मार्गदर्शन करण्यात आलं. भारतीय तटरक्षक दलाच्या मोटरसायकल रॅलीचं औचित्य साधून मालवण पोलीस वसाहतीमधल्या सिद्धिविनायक मंदिराच्या सभागृहात मच्छीमार सुरक्षा संदेश आणि मार्गदर्शन मेळावा पार पडला. यावेळी प्रभारी पोलीस निरीक्षक अमोल साळुंखे, तटरक्षक दलाचे सहाय्यक कमांडर अजय दहिया, प्रभारी मत्स्य आयुक्त श्रीकांत वारुंजीकर, सागरी पोलीस अनिल साठे, पोलीस उपनिरीक्षक संजय भोसले, विक्रांत कुंभार यांच्यासह तटरक्षक दलाचे प्रतिनिधी, पोलीस कर्मचारी, पोलीस पाटील, सागर रक्षक दलाचे सदस्य उपस्थित होते. मच्छीमार बांधवांचा समुद्र हा अविभाज्य घटक आहे. समुद्र किनारा हे आपलं सर्वांचं अंगण आहे. आपल्या देशाची सुरक्षा ही आपल्याच हातात असून प्रत्येक मच्छीमार आणि नागरिकांनी सतर्क राहावं असं प्रतिपादन तटरक्षक दलाचे अधिकारी माणिक विश्वास यांनी केलं. या मेळाव्यात जीवन सुरक्षा उपकरणांची माहिती आणि प्रात्यक्षिकं दाखवण्यात आली, तर तटरक्षक दलात भरती होण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं. सागरी सुरक्षा ही सामुदायिक जबाबदारी आहे, त्यामुळे नागरिकांमध्ये त्याची जनजागृती करणं आवश्यक आहे असं अजय दहिया म्हणाले. का ये रैली स्टार्ट हुई थी 2 जून और हमारी रैली चलेगी 10 जून तक मुंबई से गोवा एंड वे बैक. इस रैली का मकसद ये है कि हम अपने मछुआरे भाइयों से, मच्छीमार सोसाइटी से एकदम अंदर तक उनसे कनेक्ट हो सके. जो भी हम देखते हैं पानी में उनकी सेफ्टी के लिए पहले तो उनको ये समझाना कि पानी में उनकी खुद की सेफ्टी कितनी ज़रूरी है, उनको क्या क्या चीज़ें कैरी करनी है, उनका कागजी पूरा होना चाहिए, जो भी बायोमेट्रिक कार्ड है, आधार कार्ड है, उनके पास आईडी प्रूफ होने चाहिए, उनकी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए लाइफ जैकेट्स होनी चाहिए. हम चाहते हैं ऐसे सरकार की कई मुहिमें हैं जिनमें सब्सिडाइज रेट पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, पर कई बार हम देखते हैं कि पानी में हमारे मच्छर भाइयों पर ये चीज़ें नहीं होती हैं. तो जस्ट उनको एक नॉलेज देने के लिए कि हाँ ये चीज़ें भी उनके पास होनी चाहिए, इसलिए हमारी ये मुहिम है. और दूसरा रिक्रूटमेंट, हम चाहते हैं कि मच्छीमार सोसाइटी से जो लोग पानी में जाते हैं, जिनका ये पेशा है, वो लोग फौज को ज्वाइन करें, हमारे पास आए. हमारे पास बहुत वैकेंसी है, हम खुशी खुशी उनको अपने साथ रखेंगे, एक अच्छी नौकरी मिलेगी और वो लोग अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं. तीसरी चीज़ जो हम चाहते हैं कि पानी में हर वक्त तो फौज या कोई भी नेवी कोस्ट गार्ड नहीं रह सकती, तो पानी में हमेशा मछुआरे रहते ही रहते हैं. साल के कम से कम 10 महीने मछुआरे पानी में रहते हैं. तो मेरी ये उनसे अगर हम अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करेंगे, अगर उनसे हम बातचीत करेंगे, तो एक ऐसा ज़रिया बनेगा जिससे अगर पानी में उन्हें कुछ भी अलग सा दिखता है तो हमें बता सके. तो जो दो नंबर है 1093 और 1554, 1554-1093, ये दो नंबर पे वो कुछ भी उनको अलग सा दिखता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को बता सकते हैं, या उनके साथ कोई घटना घटती है, हम जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे और उनकी मदद करेंगे. या प्रसंगी मत्स्य अधिकारी श्रीकांत वारुंजीकर यांनी सुद्धा मार्गदर्शन केलं. यानंतर सायंकाळी मच्छीमार सुरक्षा संदेश रॅली मुंबईच्या दिशेनं रवाना झाली. कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन अनिल साठे तर आभार प्रदर्शन अमोल साळुंखे यांनी केलं. कुणाल मांजरेकर, कोकण नाव, मालवण.